देवी जी कहाँ हैं? हाँ, देवी जी वहां उन लोगों के बीच बैठी हैं। क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच? गीता जी, आज मेरी मेहनत कामयाब हो गई। बस मुझे इंतजार है उस नई चीज के साफ होने का, ताकि पता तो चले कि क्या है वो नई चीज। वो चीज है क्या? रियली दिस इज माय न्यू डिस्कवरी। ये मेरी नई खोज होगी। वैसे गर्मी बढ़ रही है या उत्तेजनावश मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं सर, गर्मी वाकई बढ़ रही है। हाँ। अच्छा। वैसे प्रोफेसर, आपकी इस अनोखी चीज से सिर्फ आपको या इतिहास को ही फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा, क्योंकि इस अनोखी चीज की न्यूज पाने वाली मैं सबसे पहली जर्नलिस्ट होंगी। बल्कि गीता, यूं कहो कि हर अनोखी न्यूज को लाने वाली पहली पत्रकार तुम हो। शक्तिमान जैसे हैरत अंगेज किरदार की न्यूज लाने वाली भी तो तुम ही हो ना गीता। ये तो मेरा गुड लक है गीता जी कि मेरी खोज को छापने वाली पहली पत्रकार भी तुम हो। थैंक्स। वैसे ये गंगाधर समथिंग है कौन? क्या चीज है? क्योंकि उसका नाम हमेशा तुम्हारे साथ छापा जाता है। क्या तुम दोनों मिलकर शक्तिमान की न्यूज लाते हो? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, मतलब वो न्यूज नहीं लाता है? अरे वो क्या न्यूज लाएगा, उसे अपनी न्यूज की ठीक से खबर हो तब ना। वैसे भी वो खुद एक हैरत अंगेज न्यूज से कुछ कम नहीं। हाँ, गधा है गधा, इंसान के शरीर में घुसी हुई गधे की शुद्ध आत्मा। तो फिर उसका नाम आपके साथ क्यों आता है? माय बैड लक, मेरा दुर्भाग्य। अरे मैंने उस खोटे सिक्के को फोटोग्राफर इसलिए बनाया, सोचा कि चल जाए, लेकिन उसने मुझे खोटा सिक्का बनाकर खुद चला गया। हर बार शक्तिमान की न्यूज मुझसे हत्या कर फोटोग्राफर से वो मेरे साथ को रिपोर्टर बन गया है, जबकि शक्तिमान की सारी न्यूज मैं ही लाती हूँ। शक्तिमान सिर्फ न्यूज मुझे ही देता है। मैं सच कह रही हूँ। रियली? अच्छा, नहीं नहीं, हमें विश्वास है। लेकिन गीता जी, एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक गधे ने आपको धोखा दिया। तुम यहां भी हो दुष्ट, तो यहां चारों ओर खुदाई हो रही है। सब लोग कुछ ढूंढ रहे हैं, परंतु देवी जी क्या ढूंढने आई है यहां? ये मनुष्य भी विचित्र प्राणी है, मिट्टी से पैदा होता है, मिट्टी में ही जाना होता है, फिर भी मिट्टी में ढूंढता है। ओ महाशय, हमको कूड़ादान समझ रखा है क्या तुमने? अरे बाप रे, ये तो सुपुट वाला साहब है, साहब को पता चलेगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चल बेटा भाग ले। अरे हमारी बात तो सुनिए, अरे तनिक हमारी बात तो सुनिए महाशय। अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? ठीक है, ना सुनते हो तो ना सुनो, तो फिर ये लो। मिट्टी का बदला मिट्टी से। अरे अरे देवी जी, मारिएगा नहीं, मारिएगा नहीं। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। परंतु एक बात बताइए, यहाँ सभी मरकंडे हैं? क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। बाप रे, ये तो खुदाई से निकला हुआ अवशेष लग रहा है, 2500 साल पुराना मानव। जी नहीं, हम वो नहीं हैं, हम वो बिल्कुल नहीं हैं। क्या नहीं है? 2500 वर्ष पुराने मानव हम वो नहीं हैं। आपको कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? हमारा तो दुर्भाग्य ही खराब है देवी जी, हमें जो भी देखता है वो यही सोचता है कि हम 2500 वर्ष पुराने हैं। आपने भी यही सोचा था ना? हाँ,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु सत्य तो यह है देवी जी कि हम इससे भी बहुत अधिक प्राचीन हैं। आप जानती हैं हम कितने प्राचीन हैं? तो पूछिए पूछिए, अरे पूछिए पूछिए, शर्म मत कीजिए, पूछिए पूछिए। कितने प्राचीन हैं? उतने ही प्राचीन जितनी की मानव जाति है। वाकई आप बहुत दिलचस्प जान पड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अजी नाम, नाम तो था ना हमारा। हाँ नाम तो है ना हमारा। हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, कोस त्रिकोली, जिला उत्तराखंड। आपने पूरा सुन लिया? अरे लोग तो हमारा ये नाम सुनने के पहले हमें रोक देते बीच में। आपने तो पूरा सुन लिया। वैसे कैसा लगा ये नाम? अच्छा है। थोड़ा लंबा है आपके दांतों की तरह। अजी कहाँ लंबा है। वैसे वास्तव में यदि आप पूछें तो हमारा ये नाम ही नहीं है। ये तुम्हारा नाम नहीं है? नहीं, ये तो हमारा उपनाम है। हमारा नाम तो बहुत लंबा है। सुनाई? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपके उपनाम से ही काम चला लूंगी। अच्छा। वैसे आप वही पंडित गंगाधर है ना जो रिपोर्टर गीता विश्वास के साथ मिलकर लिखते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, हम वो पंडित गंगाधर नहीं है जो गीता विश्वास के साथ मिलकर लिखते हैं, अपितु हम वो पंडित गंगाधर हैं जिनके साथ गीता विश्वास मिलकर लिखती है। हाँ गंगाधर, तुम अब गए समझो। अरे वास्तव में तो वो हमारी शिष्या है। हाँ मेरा मतलब है कि हम उनकी शिष्या हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि शिष्या के हम हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि हम उनके शिष्य हैं। वो तो हमारी सीनियर है, महान है, प्राचीन है, प्रसिद्ध है। और यहाँ खड़ी हैं, कैसी हैं आप, कैसी हैं आप? हम आपकी प्रशंसा कर रहे थे इनके पास। हाँ, हाँ। मेरी प्रशंसा करना छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम इनको अपना परिचय दे रहे थे। क्या नाम है आपका? हेमा। हाँ हेमा, हेमा, हमें बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। हेमा हेमा, बड़ी प्रसन्नता हुई। हेमा हेमा, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे। आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। अब जो मेरा मतलब है तुम यहाँ पहुँचे कैसे? हम तो खा कोयला पी पानी धड़ धड़ाधड़ से। धड़ धड़ाधड़ वो क्या है? अर्थात लोहपथ गामिनी, आपकी भाषा में कदाचित उसे ट्रेन कहते हैं। तुम यहाँ ट्रेन से आए हो? हाँ। लेकिन इस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं आती। हाँ हम भी तो वही कह रहे थे कि हम ट्रेन से बिल्कुल नहीं आए हैं। तो फिर कैसे आए हो? ठीक से बोलो ना। हम उड़कर आए हैं। God give me a break। गंगाधर तुम अपनी बकवास बंद करोगे? हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम सत्य कह रहे हैं। हम शक्तिमान भैया के साथ उड़कर आए हैं। क्या कहा? शक्तिमान के साथ आए हो? हाँ। दरअसल आपका फोन जब यहाँ से कट गया तो एडिटर साहब बहुत चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा गंगाधर जाओ गीता को ढूंढ कर लाओ। तो हम पहुंच गए स्टेशन पर। स्टेशन के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक हमारी भेंट शक्तिमान भैया से हो गई। हमने कहा शक्तिमान भैया लिफ्ट मिलेगी? उन्होंने कहा जाना है? हमने कहा बांगड़ू घाटी जाना है गीता जी के पास। उन्होंने कहा चलो छोड़ देता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो कि शक्तिमान ने तुम्हें यहाँ छोड़ा है? यस यस, शक्तिमान ने हमें यहाँ छोड़ा है। सत प्रतिशत सत। रियली? रियली नहीं, सत प्रतिशत रियली। फिर वो फिर कहाँ चला गया? वो शक्तिमान, शक्तिमान बोलो ना कहाँ चला गया? वो तो चला गया, उसके दूर के रिश्तेदार की शादी थी। उसने कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ टाटा टाटा टाटा, चला गया। गंगाधर तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? हम एक कार्य दोबारा नहीं करते देवी जी। शट अप। अब समझ में आया तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो। मैं तुम्हें कल तक बहुत चालाक समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम फ्रॉड हो। फ्रॉड? सुनिए तो सही हमारे बात देवी जी। बिल्कुल चुप, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो कि किसी तरह से मेरी नई कहानी को हत्या सको, लेकिन पंडित गंगाधर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे? देवी जी आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो आपकी कुशलता समाचार जानने हेतु यहाँ आए थे। स्वयं शक्तिमान भैया ने हमें यहाँ छोड़ा है देवी जी। ओहो शक्तिमान भैया। हाँ। तुम तो शक्तिमान की बातें ऐसे करते हो जैसे तुम्हारे पॉकेट में रहता है। ठीक है
शक्तिमान ने तुम्हें यहाँ खोज छोड़ा था ना, तुम कहते हो? हाँ। तो दो सबूत। सबूत? हाँ, कोई तो प्रूफ होगा तुम्हारे पास। लगता है देवी जी आप पर भी एडिटर महोदय का असर पड़ गया है, जब भी देखो कहते हो सबूत दो सबूत दो सबूत दो सबूत दो। तुम धोखा देकर फोटोग्राफर से रिपोर्टर जरूर बन गए हो, लेकिन एक बात याद रखना, रिपोर्टर बनना इतना आसान नहीं है। कोई धोखा देकर रिपोर्टर नहीं बन सकता, उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। अजी करती है ना, परिश्रम करती है ना, देखो ना सीढ़ियां उतर रहे हैं ना आपके साथ। तुम कुछ नहीं करते, एक चीज याद रखना, मेरी इस कहानी से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो ना, तो दो दिन के अंदर तुम मुझे वो तुम क्या कह रहे थे उसने तुम्हें टाटा किया था वो वाली फोटोग्राफ मुझे लाके दो, वरना तुम अपनी नौकरी से टाटा, समझे? टाटा, समझे? चलो अनोखी चीज तो साफ हो गई। गीता जी आप कहाँ थी? हेमा जी, हेमा जी, हेमा जी, आप कहाँ चली गई थी? सर यही है पंडित गंगाधर शास्त्री जो गीता जी के साथ मिलकर अच्छा, लिखते अच्छा, हैं। नहीं, ये हमारे साथ मिलकर लिख रही हैं। वेल 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 गंगाधर जी, अच्छा हुआ आप भी आ गए। वैसे गीता जी से मैं आपकी काफी तारीफ सुन चुका हूँ। हम हैं ऐसे जिसकी तारीफ की जाए, वरना कई लोगों को तो जिंदगी पर तारीफ नसीब ही नहीं होती। हमारे गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है पर तारीफ नहीं होती, और जिनकी तारीफ होती है तो मृत्यु के उपरांत होती है। हम ही ऐसे हैं जिनके जीते जी तारीफ हो रही है, क्यों गीता जी? हाँ बिल्कुल, आपकी तारीफ होती है। मैं तारीफ के लिए कोई काम नहीं करता। किसके लिए काम करते हैं? गीता जी, जिस अनोखी चीज के साफ होने का इंतजार था वो अनोखी चीज साफ हो चुकी है। ओह रियली? हाँ। वो क्या है? चलो चलकर देखते हैं। श्योर, लेट्स गो। चलिए। गंगाधर जी, जिसके पार में जा नहीं। गंगाधर जी आप क्या सोच रहे हैं? अनोखी चीज को आपको नहीं देखना? अब भला आपसे ज्यादा अनोखी चीज और हो ही क्या सकती है। चलिए 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 चलिए। इस तरफ आइए। अंधकार है यहाँ तो, भूत पिशाचों का हमला भी है यहाँ। अरे ये पक्षी महोदय, गंगाधर महोदय हम ठीक हैं? तो फिर ठीक है, ठीक है। आइए आइए आइए, देखिए। ठीक है ठीक है। गीता जी, इन अवशेषों को साफ करवा कर हम उन पर रिसर्च करते हैं। देखिए देवी जी, ये तो बिल्कुल विचित्रालय लग रहा है, अर्थात अजायब घर। हाँ, तुम्हारे आने की कमी थी। परंतु आप तो हमसे पहले आ गई हैं, कमी तो पूरी हो चुकी होगी। अब तुम खड़े रहो और चुप हो जाओ। हाँ? खड़े रहो और चुप हो जाओ? देवी जी ये कैसे हो सकता है कि हम खड़े भी रहें और चुप होकर चले भी जाएं? ठीक है बाबा, चुप होकर खड़े रहो। खड़े तो हैं पर रहें कैसे? ओफो, तुमसे तो राम बचाए। और ठीक है, उनसे भी पूछ लेते हैं। राम जी, परंतु देवी जी कहीं आपने उनसे भी कह दिया कि चुपचाप खड़े रहो तो वो भी सोचेंगे कि खड़ा रहूं कि रहा रहूं। अच्छा मजाक कर लेते हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुना आपने? सुना, इसका कपड़ा निकालो। रहने दो, मैं निकाल लेता हूँ। अजूबा, वाकई अजूबा।
कोई ताबूत इतना खूबसूरत हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये ताबूत जितना खूबसूरत है उतनी ही इस पर लिखी हुई बातें बदसूरत है। मैं तो इनमें से सिर्फ एक शब्द समझने में कामयाब हुआ हूँ। वो शब्द क्या है प्रोफेसर? कष्टक। कष्टक? हाँ कष्टक। इसके सिवा मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस ताबूत से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे भी गीता, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस ताबूत को खोले कैसे। सर, हम इस ताबूत को तोड़कर भी तो देख सकते हैं। नो हेमा, हम पुरातत्व विभाग के लोग हैं, हमारे लिए ये ताबूत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसके अंदर के अवशेष। मगर सर, अगर हम इसे सावधानी से काटे तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इसे हाथ लगाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा इंतजार करो, इसे खोलने की कोई न कोई तरकीब जरूर निकल आएगी जिससे ताबूत का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अंदर जो कुछ है वह कहीं नहीं जाएगा। कष्टक, देखें तो सही कि इसके अंदर कष्ट क्या है। क्या हुआ गंगाधर? कुछ नहीं, ताबूत बहुत सुंदर है। तो तुम इतनी जोर से झटका क्यों खाए? कहा ना ताबूत बहुत सुंदर है। जब कभी भी हम कोई सुंदर चीज को देख लेते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही हो जाता है। तभी तो तुम मुझे देखकर बौखला गए थे। प्रोफेसर, आपने एक बात नोट की है क्या? जब से यह ताबूत निकला है गर्मी कुछ बढ़ गई है। तुम बहुत इमेजिन करती हो। नहीं प्रोफेसर, आप खुद ही देख लीजिए ना, हम सब कितने पसीने से भीग रहे हैं। अपने आप को देखिए, हेमा को देखिए। लुक एट मी, लुक एट गंगाधर। हाँ गंगाधर, तुम्हें पसीना क्यों नहीं आ रहा है? अरे क्या आ रहा है ना, अब काफी पसीना है। ये देखिए काफी पसीना है। आपको इतना पसीना नहीं है। ये ताबूत बहुत रहस्यमय बनता जा रहा है। आओ चले चले। सक्सेना, इसमें कर्टन डाल देना। वैसे तुम्हारा शक्तिमान भी अपने आप में एक रहस्य है। नहीं प्रोफेसर, शक्तिमान एक रहस्य नहीं, रहस्य को मिटाने वाला एक आम इंसान है। यही अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरफ आम इंसान, दूसरी तरफ इतनी सारी शक्तियाँ। हाँ प्रोफेसर, एक आम इंसान और इतनी सारी शक्तियाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान में इतनी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन शक्तिमान जैसा इंसान इन शक्तियों को पहचान कर शक्तिमान बनता है। लेकिन वो आम इंसान है कौन जो शक्तिमान बनता है? गीता जी, मेरे ख्याल में शक्तिमान हमेशा लाल कॉस्ट्यूम में नहीं रहता होगा। लाल कॉस्ट्यूम, इसका मतलब वो आम इंसान शक्तिमान का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। डेफिनेट। मुझे तो शक्तिमान किसी डबल पर्सनालिटी वाले हीरो के कहानी का नायक लगता है, जिसके दो रूप होते हैं, एक तो अंतर्मुखी और दूसरा आम इंसान से थोड़ा कम। आम इंसान से थोड़ा कम? गीता जी, कहीं आपका गंगाधर तो शक्तिमान नहीं? गंगाधर? हाँ, गंगाधर भी शक्तिमान हो सकता है। फिर हमने शक्तिमान भैया को उठाकर ये पटक दिया। तब से शक्तिमान हमसे बहुत घबराते। लो आ गई आपकी पर्सनैलिटी। सर, गंगाधर जी वाकई कमाल के आदमी हैं। क्या जोक सुनाते हैं। जोक्स के सिवा और भी कुछ जानते हैं? जी हाँ जानते हैं ना, कुश्ती करना जानते हैं। गांव में हम 18 दंगल जीत चुके हैं, 19वां जीतने की तैयारी में हैं। हाँ शतरंज के खेल में थोड़ा कमजोर पड़ गए हम। क्या है वहाँ पर, हाथी घोड़ा ऊंट को मारना पड़ता है और जानवरों को मारना हमें अच्छा नहीं लगता। वैसे हमने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली है, कहूं तो सुना दिया आपको। हाँ
सुनाइए ना। सुनाते हैं? हाँ हाँ। तो सुनिए। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या ब्रिज की बाला सर पे मटकी मटकी में जल देख शाम ने सीटी मारा टन टना टन 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 तारा मुर्गा मुर्गी करे लड़ाई तेरा दड़बा तोते को मैं नाने मारा फिर भी अच्छा देश हमारा टन टना टन 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 तारा। वाह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गंगाधर जी आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं। वाह 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 क्या बात है। लेकिन अब हम ये महफिल यही खत्म करते हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और कल सुबह हमें जल्दी जागना है और ताबूत को खोलना है। हाँ। तो चले चलिए सोना चलिए रात बहुत हो गई है। सो जाते टन टना टन 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 तारा। देवी जी क्या हमारे गाने ने बहुत मोहित कर दिया क्या? सोना नहीं है क्या?